तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और आज की वीडियो में हम क्लास 5 का चैप्टर 8, जिसका नाम है दो माताएं, इसके सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि बाघ मुखिया के बेटे को लेकर जंगल की तरफ भाग गया था, और उधर हथनी का बच्चा भी एक गड्ढे में गिर गया था, तो उसे बचाने के लिए हथनी गड्ढे के चारों ओर घूम रही थी, और मुखिया की पत्नी भी अपने बच्चे की तलाश में बाघ के पीछे पीछे जा रही थी। आगे क्या हुआ, क्या उसका बच्चा बचा या नहीं, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी कहानियों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे पता है आप लोग वीडियो रेगुलर देखते हो, बट सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलती रहें। तो समय को बिना गवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आंखों के कोर से माँ हथनी ने बाघ को देखा। चील के झपट्टे की तरह तेजी से चिड़चिड़ाती हुई हथनी बाघ के पीछे दौड़ी। गड्ढे में हथनी का बच्चा पड़ा रहा। उसके बाद जंगल को कपाने वाली भयंकर आवाज हुई। बाघ के पंजे से छुड़ाकर बच्चे को अपनी सूंड में लपेटे हथनी मुखिया की औरत की गोद में बच्चा रखने के बाद चुपचाप वहीं खड़ी रही। बच्चे के शरीर पर कंबल लिपटे होने की वजह से उसे कोई खरोंच तक नहीं आई। अपने बच्चे को चीखता चिल्लाता छोड़कर वह औरत ताबड़तोड़ गड्ढे के ऊपर झाड़ियां कटीले पत्तों डालों को अलग करने में लग गई। फिर वह धीरे धीरे गड्ढे के किनारे किनारे पांव जमाते हुए नीचे उतर गई। हथनी के बच्चे को कोई खास चोट नहीं आई थी, लेकिन वह डरा और सहमा हुआ था। उस गड्ढे के ऊपर उसे गड्ढे से ऊपर उठाने की समस्या थी, कितने बड़े हाथी के बच्चे को ऊपर कैसे उठाया जाए। वह औरत फिर से ऊपर आई, पेड़ की डाल के दो छोटे मोटे टुकड़े आड़े तिरछे गड्ढे में डाल दिए। सीढ़ी की तरह वह टुकड़े स्थिर पड़े थे, एक जगह पे डाल दिए थे, वो जम गए थे। उसके बाद और गड्ढे में उतरकर बच्चे को धीरे धीरे डाल के सहारे ऊपर उठाने लगी। कई जगहों पर उसे जख्म भी लगे, पर उसने दम साधकर बहुत मेहनत से किसी तरह बच्चे को ऊपर की ओर ठेल दिया, धकेल दिया। ऊपर से हथनी ने अपने बच्चे को सूंड में लपेटकर खींचा, बच्चा ऊपर आ गया। तब तक भोर अर्थात सुबह हो चुकी थी। हाथियों के दल को भगाकर मुखिया गांव के अन्य आदमियों के साथ जब घर लौटा तो बाघ के पैर के निशान देखकर दंग अर्थात हैरान रह गया। उसे समझने में देर नहीं लगी। डोरी रस्सा कुदाल बच्चा लेकर कई आदमियों के साथ वह जंगल में घुसा। जंगल पहुंचते ही जो दृश्य अर्थात नजारा सामने आया, उसे देख वे सब अवाक रह गए, हैरान रह गए। हथनी का बच्चा अपनी माँ हथनी से चिपका खड़ा था। माँ हथनी अपनी सूंड बच्चे के शरीर पर फिर उसे प्यार कर रही थी। उसी जगह स्त्री भी अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। हाथ के औजार रस्सी आदि सब फेंक कर गाँव के लोगों ने हाथ जोड़कर झुककर जंगल के देवता को प्रणाम किया। मुखिया की पत्नी बच्चे को गोद में लेकर खड़ी हुई हथनी अपने बच्चे के साथ जंगल की तरफ चली गई। मुखिया ने उसी समय सभी गड्ढों को भर देने का आदेश दिया। सौदागर को हमेशा के लिए गाँव से भगा दिया गया, और तब से फिर कभी इधर किसी ने हाथी को पकड़ने की कोशिश नहीं की। तभी से प्रत्येक साल जाड़े के दिनों में खेत के फसल पकने पर हाथियों को नैवेद्य अर्थात भोज जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे नैवेद्य कहते हैं, दिया जाने लगा। ये गाँव वासियों को का अपना तरीका था धन्यवाद कहने का। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर उस माँ की जगह आप होते तो आप क्या करते, ये बात हमें कमेंट में लिखकर बताएं। बाकी फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।